उदयपुर से हमारे संवाददाता नीलेश पटेल की रिपोर्ट। 5 फरवरी से 25 फरवरी तक की जा रही है विकास यात्रा। यात्रा का ग्राम पंचायत रिछावर में हुआ समापन। सभी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। उदयपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्रामों में भाजपा के द्वारा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक विकास यात्रा निकाली गई, जिसमें समस्त ग्राम में जनप्रतिनिधि ने पहुंचकर भाजपा के द्वारा किए गए जनहितैषी कार्यों को जनता को बताए। वहीं यात्रा के दौरान कहीं कहीं जनप्रतिनिधि का विरोध का भी सामना करना पड़ा, तो कहीं भरपूर समर्थन जनता का विकास यात्रा को मिला। 25 फरवरी को विकास यात्रा अलीबाड़ा से प्रारंभ होकर टिमरा वन नया खेड़ा रामपुरा होते हुए रिछावर में रात्रि विश्राम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कांग्रेस की कई कमियां जनता को बताई। कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के नेतृत्व में भाजपा सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है और अन्य योजनाओं का लाभ ले रही है, जनता तक पहुंच रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कमलनाथ ने तो कई योजनाएं बंद कर दी गई थी। उन्होंने एक बार फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू की हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जनता से जुड़े हुए नेता हैं, जो जनता के हर सुख दुख में साथ रहते हैं और समझते हैं। कई जगह पूर्व विधायक रामकिशन पटेल को लोगों ने समस्याएं बताई, विकास यात्रा में निरंतर सहयोग एवं साथ चल रहे हैं। प्रदेश सरकार में प्रवक्ता नरेंद्र पटेल देवरी क्षेत्र से मंडल अध्यक्ष अरविंद कुमार दुबे एवं सभी जनप्रतिनिधि इस यात्रा में साथ रहे। ग्राम पंचायत रामपुरा के युवा सरपंच कामता लोधी ने आंगनबाड़ी में 4 कुर्सी एवं पंखा दान किया। ग्राम पंचायत रिछावर के रोजगार सहायक प्रदीप लोधी ने आंगनबाड़ी केंद्र को 1 पंखा दान किया। यात्रा में क्षेत्रीय प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। कहीं किसी गांव में कोई समस्या आती तो उनको अधिकारी वहीं पर समस्या का समाधान करते। उदयपुर से हमारे संवाददाता नीलेश पटेल की रिपोर्ट।